नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज में कोर खेमचंद प्रजापति। बड़वानी के सिलावट से बड़ी खबर, शासन ने अब बिजली बिलों का भुगतान ग्राम पंचायतों को सुपुर्द कर दिया है, किंतु लाखों रुपए के बकाया बिलों का कोई निराकरण नहीं किया, जिसके चलते विभाग पंचायतों के कनेक्शन काट रहा है। शासन ने नहीं भरे बिजली बिल, पंचायतों के माथे छोड़ा लाखों का बिल। शासन की लापरवाही के चलते जनता को जल प्रदाय नहीं हो रहा। बड़ी खबर, सिलावट से जहां बिजली बिल बकाया होने से पंचायत की लाइटें काटी गई। पूर्व में जहां बिजली बिलों का भुगतान शासन द्वारा होता आया, अब वहां बिजली बिलों का भुगतान पंचायतों के माथे मंड दिया है, जिसके चलते अब विभाग पंचायतों की बिजली काट रहा है। सिलावट ग्राम पंचायत में भी बिजली का बकाया बिल होने के कारण ग्राम पंचायत के सभी कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा काट दिए गए हैं, जिसके चलते अब जल प्रदाय नहीं हो पा रहा है। गिरधर अहिरे, सचिव ग्राम पंचायत सिलावट। क्या हुआ, बिजली काट दी? हाँ, बिजली भी काट दी परसों रोज से ग्राम पंचायत सिलावट की पेयजल की। कितना बिल बाकी? बिल चार स्पॉट है हमारे पेयजल के ग्राम पंचायत सिलाव में, तो कुल मिला के और 16-17 लाख के लगभग बिल है। पहले कौन भरता था? पहले का शासन हेड से बिल पेयजल के जमा होते थे, अभी पंचायतों को भर दिया। अभी सीओ, जिला पंचायत सीओ साहब ने आदेश किया है, ग्राम पंचायत के बकाया जो बिल है स्वयं पंचायत टैक्स वसूल करके जमा करें। तो अभी पेयजल की क्या समस्या? पेयजल की अभी 2-3 रोज से समस्या उत्पन्न हो रही है। बाकी ग्राम पंचायत द्वारा, हमारे द्वारा पेयजल के लिए टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है हर हले में, हम मोहल्ले में। तो अभी बिजली कंपनी से नोटिस नहीं मिला था? बिजली कंपनी से हमें ग्राम पंचायत को कोई नोटिस नहीं मिला है, सीधे उन्होंने लाइन काट दी। तो कोई मोहलत नहीं दे रही? मोहलत भी नहीं दी है हमें कि भाई 15 रोज या 8 रोज में पैसे जमा करो, इस प्रकार की कोई मोहलत नहीं है। मेरा नाम सलीम मंसूरी, उप सरपंच ग्राम पंचायत सिलावत। क्या बिजली की क्या समस्या? बिजली की समस्या ये है कि अभी तक जो भी बिल बढ़ा आता था विद्युत विभाग से, वो मध्य प्रदेश सरकार भरती थी, है ना? अब क्योंकि सरकार ने, हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कि अब ग्राम पंचायतें बिल, अब ये बिल जो है मार्च से बाकी है, जो 9 से 10 माह हो चुके हैं, अब उसका काफ़ी बिल इकट्ठा हो चुका है। अब शासन ने अगर उसका बिल नहीं भरा, अब वो पंचायत से मांग कर रहे हैं। अब पंचायत से भी मांग करने के इन्होंने ना तो हमको कोई नोटिस दिया और कुछ नहीं दिया, और अचानक बिना कहे हमारे दोनों लाइनें जो जल प्रदाय की थी उसको काट दी गई, और पूरे गांव में हाहाकार हो रहा है। जब हमने अधिकारियों से फोन पे वार्ता की कि सर हमें कुछ तो समय दो, 8 दिन 10 दिन 15 दिन, तो हमें ना तो समय दिया जा रहा है। अब वर्तमान में हमारी स्थिति बहुत पंचायतों की खराब है, शासन की तरफ से कोई वो नहीं हो रहा, और अधिकारी भी हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। एमपीपी वाले हमारी बात को सुनने को राजी नहीं है। उसके बाद हमने अभी वैकल्पिक व्यवस्था में कुछ प्राइवेट टैंकर लगा के गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करा रहे हैं, एवं कल हमने ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई है। सिलावट से ब्यूरो रिपोर्ट, सीआईडी न्यूज़।